हेलो बच्चों, जीटा इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस के आपका बेटा स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 13 है और जो चैप्टर 13 और इस चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। पहले बच्चों अपने मैं बात कर दूं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हायर प्लांट्स के अलावा बच्चे मैं ध्यान देंगे, ये प्रोसेस प्रोटिस्टा में भी होती है के पहले तीन ग्रुप फर्स्ट थ्री ग्रुप और मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा फर्स्ट थ्री ग्रुप और ब्लू ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट, तो इसका फोटोसिंथेसिस तीन चीजों में हो रही है, हायर प्लांट्स, प्रोटिस्टा फर्स्ट थ्री ग्रुप। आपने नाम डायटम्स का सुना होगा, आपने डायनोफ्लैजलेट्स का नाम सुना होगा, आपने यूग्लिनोइड्स का नाम सुना होगा। ये तीन पहले ग्रुप के नाम हैं बताया मैंने आपको। इनके साथ ही मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी में भी फोटोसिंथेसिस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे आप लोग हायर प्लांट्स पढ़ेंगे, जैसे कि एंजियोस्पर्म। पहली लाइन बच्चे देखिए, ऑल एनिमल, जितने भी एनिमल एक एनिमलिया किंगडम है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, होमो सैपियंस जिसका जूलॉजिकल नेम है, डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने एनिमल हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन फूड के लिए डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, और हम प्लांट्स में भी आपका नाम को बता ही चुके हैं, हायर प्लांट जैसे आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेडोफाइट हो सकता है, आपका एक किंगडम प्रोटिस्टा है, उसके फर्स्ट तीन ग्रुप हैं जैसे डायटम्स का ग्रुप, जैसे डायनोफ्लैजलेट्स का ग्रुप और जैसे इग्लोनाइट्स का ग्रुप। अब यहाँ पे आता हैव यू वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड, ये आश्चर्य की बात है कि प्लांट्स इस भोजन को कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा ये भोजन केवल ग्रीन प्लांट्स तैयार करते हैं, ग्रीन प्लांट्स। आपको ग्रीन प्लांट्स ध्यान रखना है, ग्रीन प्लांट्स उनको कहा जाता है बच्चों, ग्रीन प्लांट्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ये ऑर्गेनेल है और इसके अंतर्गत एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल। इसी पिगमेंट के जिनमें ये पिगमेंट पाया जाए और ये पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट पाया जाए, उन्हीं को हम ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। और इन ग्रीन प्लांट्स में ये खास भोजन बनाने की टेक्निक या कहेंगे सिंथेसिस करने की एक प्रक्रिया पाई जाती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ध्यान देगा, हैव मेक और रैदर सिंथेसाइज फूड दे नीड ऑल द
other organism depend on their on them needs. ग्रीन प्लांट जो ये भोजन को सिंथेसाइज करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, इसको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी कहा जाता है, ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। और जिनमें फोटोसिस की प्रोसेस होती है उन ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप कहते हैं, और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हायर प्लांट्स में बच्चों पर आया था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रोटिस्टा के फर्स्ट तीन ग्रुप जैसे डायटम्स वाला ग्रुप है, डायनोफ्लैजरेट वाला ग्रुप है, इग्लोनॉइड वाला ग्रुप है, उनमें ये प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है और उनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। ग्रीन प्लांट्स के अलावा जिनमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल नहीं होता है उनमें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं होती है और उन ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉप कहते हैं, हेटरोट्रॉप कहा जाता है, ठीक। और ग्रीन प्लांट जो प्रक्रिया को करते हैं उस प्रक्रिया को अभी मैंने कहा फोटोसिंथेसिस, बेटा फोटो इसलिए कहा गया फोटो माने लाइट की प्रेजेंस में, और जो ये भोजन का निर्माण होता है उसको फोटोसिंथेसिस कहता है। ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, विशेष ध्यान दें बच्चे, ये इम्पॉर्टेंट फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल पर इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस होती हैं, फिजिकल प्रोसेस या इसमें फिजिकल प्रोसेस होती है। फिजिकल प्रोसेस में आपने पढ़ा सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू गैस। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे एस सॉलिड है, एल लिक्विड है, जी गैस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस। अब मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्लूको प्लस वाटर की आवश्यकता होती है, इससे ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12O6। अब आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस का फॉर्म है, वाटर एक लिक्विड का फॉर्म है, लेकिन इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन आई है, कार्बन और ऑक्सीजन आई है बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड है से आई है और ये बेटा लिक्विड फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में होता है बच्चों? लिक्विड फॉर्म में होता है ये। अब आप देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लिक्विड में चेंज होना ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इसीलिए इसको फिजिको कहा गया। और चूंकि इसने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन किया तब ग्लूकोज का निर्माण हुआ, इसलिए इसको हम बेटा केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। इसीलिए फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें हम लाइट एनर्जी का उपयोग करते हैं जिससे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है बच्चों ध्यान देंगे, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है ये इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ये याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होता है ग्लूकोज। ये बच्चों सी है, ओ है, ऐसी ग्लूकोज बनता है बच्चों, ठीक। ऑल लिविंग ऑन डिपेंड ऑन सनलाइट, इस अर्थ पे
जो भी एनर्जी का सोर्स है उसे हम सनलाइट कहते हैं। तो मैं कहूँगा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सनलाइट। ये चीज़ आप लोग इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। यूज ऑफ एनर्जी सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये जो सनलाइट है इसका उपयोग फोटोसिंथेसिस में उपयोग होता है, जो कि इस अर्थ पे जीवन के लिए एक बेसिक आधार है। फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट दो मुख्य कारण का इम्पॉर्टेंट है। पहला कारण, ये इस अर्थ पे फूड का सोर्स है। फूड सोर्स पहली चीज, फूड प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। मतलब मैं कहूँगा इसका रिलेशन अगर मैं एनिमल फिजियोलॉजी करूँ तो डाइजेशन से रिलेट करेगा। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट। इसका रिलेशन बड़ा रेस्पिरेशन से है। तो मैं यहाँ पे एक शब्द आपको लिखा दूँ बच्चों, दो रीजंस हैं, एक फूड का रीज़न है, तो जो मेन प्रोडक्ट बनता है उसका रिलेशन फूड से है, और जो बाई प्रोडक्ट है वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। और जो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन होती बच्चों, ये मालूम होना चाहिए अबाउट 21% एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ये 21% होती है, 21% होता है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने बच्चों, हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन देयर वर नो ऑक्सीजन ऑन टू ब्रीथ। तो मैं यहाँ पे कहूँगा अगर ऑक्सीजन ब्रीथ में नहीं है, ठीक, तो उसमें दो चीज़ें संभावना है। एक तो एनरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी चीज बेटा, इसमें जो फूड का जो होता है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता, फूड डाइजेशन इनकम्प्लीट, ये पॉइंट आपको ध्यान देना बच्चों। और यहाँ दिस चैप्टर फोकस स्ट्रक्चर ऑफ फोटो मशीनरी में क्या क्या, जैसे क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है, उसके अंदर क्लोरोफिल है, सनलाइट है, इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण बेटा कई रिएक्शन लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये पॉइंट आपको, लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। अब इन चीज़ों को समझाने के लिए बेटा कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हैं, और ये सिंपल एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत कठिन एक्सपेरिमेंट नहीं है। और जो आप लोगों ने अर्लियर का हाई स्कूल में पढ़ रखे होंगे ये एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे इसके लिए कुछ विशेष चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो मैं पहले बता चुका हूँ, क्लोरोफिल पिगमेंट आपको बताया मैंने, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे एक चीज़ और मेरी तरफ से आप जोड़ सकते हैं बेटा, वाटर। जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत शॉर्ट में बहुत आसान समय बता देता हूँ। अब आप देखिएगा कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट मेनली ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज चेंज होता है स्टार्च। अब ये प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, अब बाई प्रोडक्ट
ऑक्सीजन है। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे। सबसे पहले उन्होंने जैसे कि लीफ लिए बच्चों, और इस पे इन्होंने एक डार्क पेपर से कवर्ड कर दिया, और यहाँ पे सनलाइट पड़ी और यहाँ पे भी सनलाइट डाली। तो यहाँ पे इस जो एक्सपोज पार्ट है, यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, और जो ब्लैक पेपर से कवर्ड किया गया, जो ब्लैक पेपर से कवर्ड किया गया, यहाँ पे नो स्टार्च, इसका मतलब हुआ सनलाइट की प्रेजेंस में इस ग्रीन प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, वहाँ पहले ग्लूकोज बना होगा और फिर उससे स्टार्च बना होगा। इसके मतलब यहाँ पे ये बात पूरी तरह क्लियर हो गई, फोटोसिंथेसिस के लिए स्टार्च के निर्माण के लिए, या मैं कहूँ ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज के निर्माण के लिए फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है स्टार्च के लिए, उसके लिए सनलाइट एसेंशियल है। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक बात क्लियर हो गई, जो ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट है, इससे कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट एसेंशियल है। कैरिड आउट वेयर पार्ट ऑफ लीफ इनक्लोज ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम केओएच सोक्ड कॉटन। बच्चे ध्यान देंगे, केओएच जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लीजिए मैं इसको फिगर में दिखाना चाहूँ, ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब हो गई, और ये कॉटन हो गया, कॉटन प्लस इसी में क्यूएच है, ये पैक्ड है बच्चों, और यहाँ से ये लीफ मैं बना रहा हूँ, ये लीफ हो गई। तो जो लीफ का ये पार्ट है यहाँ, अब इसके मतलब ये हुआ कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब है, नो CO2, यहाँ पे ये एयर हो गई, यहाँ CO2 प्रेजेंट, यहाँ सनलाइट ये पड़ी है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है। तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि जहाँ पे CO2 नहीं है वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और जहाँ पे CO2 है वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे मैं कहूँगा स्टार्च प्रेजेंट, प्रेजेंट, नो स्टार्च फॉर्मेशन, नो स्टार्च फॉर्मेशन। इसके मतलब ये हुआ फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है। चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पे केओएच है, चूंकि केओएच जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता है, चूंकि वो आयोडीन का टेस्ट वहाँ नहीं आता है। लेकिन जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है
वहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसके मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोनों एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला बताता है कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट जो हैं जो आपने अभी पढ़े हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जोसेफ प्रीस्टले साहब का एक्सपेरिमेंट है। जोसेफ प्रीस्टले इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, जोसेफ प्रीस्टले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये 1733, ये सन इम्पॉर्टेंट है इनका, और 1804, ये 1733 से 1804, और जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो 1770, ये इम्पॉर्टेंट है। बर्थ रहा होगा 1733, डेथ रही होगी 1804, एक्सपेरिमेंट 1770, ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ये 1770 इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और इन्होंने कुछ विशेष एक्सपेरिमेंट सीरीज में किए थे, और ये एक्सपेरिमेंट जो हैं इससे ये पता लगा था कि एयर जो है प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, खासकर ग्रीन प्लांट्स के लिए। ये लाइन ध्यान रखिएगा कि ग्रोथ जो होती है ग्रीन प्लांट्स में उसके लिए मेन एसेंशियल रोल जो है वो एयर का है, और इन्होंने ऑक्सीजन की जो डिस्कवरी की थी ये इम्पोर्टेंट, ये आप लोग रिकॉल करें, याद करें, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। दोनों चीज़ें देखिए बच्चों, एक्सपेरिमेंट 1770 है, ऑक्सीजन डिस्कवर्ड 1774। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट जो प्रीस्टले साहब ने किया था वो बेटा क्लोज स्पेस बेल जार लिया था बच्चों, प्रीस्टले एक्सपेरिमेंट है। इसमें उन्होंने एक बात कही है कि किसी बेल जार में अगर माइस को रखा जाता है और कैंडल को रखा जाता है तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही जो बेल जार के अंदर एयर है उसको, बेल जार के जो अंदर एयर है उसको डैमेज करते हैं। ये पॉइंट ध्यान देना बेटा, माइस और कैंडल दोनों को बेल जार में लिया गया, कुछ समय बाद देखते हैं माइस की भी डेथ हो गई और कैंडल जो थी वो भी बुझ गई, और इससे ये पता लगता है कि बेल जार के अंदर कैंडल और माइस दोनों ने एयर को डैमेज किया। लेकिन जब उसके अंदर इन दोनों के साथ मिंट प्लांट को भी लिया गया तो वो कैंडल भी बर्न करती रही, माइस भी ब्रीथ करता रहा, सर्वाइव करता रहा, और प्लांट में भी ग्रोथ हुई। इसके मतलब ग्रीन प्लांट जो हैं, जो ये डैमेज एयर है उसको प्यूरीफाई करने का काम करते हैं। अरे जोसेफ प्रीस्टले बर्थ एंड डेथ 1733-1804, एक्सपेरिमेंट 1770, इन्होंने लगातार एक्सपेरिमेंट किए थे इसलिए इसको सीरीज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इसमें जो सबसे बात मुख्य जो बात निकल के आई थी वो निकल ये लाइन आपको बताया, एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ
ग्रीन प्लांट्स, मतलब प्लांट ग्रीन प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर एसेंशियल है, ये चीज प्रिस्टले साहब ने बताई। इसके अलावा प्रिस्टले साहब ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी की थी 1774। प्रिस्टले ऑब्जर्व दैट कैंडल बर्निंग इन क्लोज स्पेस, बट अभी आपको बताया कि सीरीज एक्सपेरिमेंट है। सीरीज एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सबसे पहले बेल जार के अंदर केवल कैंडल लिया, कुछ समय बाद वो एक्सटिंग्विश बुझ गई। उन्होंने माइस को बंद किया तो देखा कि कुछ समय माइस की भी डेथ हो गई, फिर दोनों को एक साथ लिया तो फिर दोनों की मतलब माइस की डेथ हो गई और कैंडल बुझ गई, एक्सटिंग्विश हो गई। इसके बाद उन्होंने उसमें कुछ समय बाद उन्होंने उसके अंदर मिंट प्लांट लिया, मिंट प्लांट लिया, माउस वुड शोन सफोकेट क्लोज स्पेस। ही कंक्लूडेड दैट बर्निंग कैंडल इंपॉर्टेंट है, बर्निंग कैंडल एन एनिमल, बर्निंग कैंडल एन एनिमल ब्रीथ द एयर बोथ डैमेज द एयर इम्पोर्ट, चाहे बर्निंग कैंडल हो चाहे एनिमल हो, ब्रीथ करते हैं और ये एयर को डैमेज करते हैं। बट व्हेन ही प्लेस्ड मिंट प्लांट, इम्पोर्टेंट मिंट प्लांट क्यों लिया, सेम जेल बेल जार में उन्होंने ये पाया कि माउस स्टेड लाइफ काफ़ी समय उसमें जीवित रहता है और कैंडल भी लंबे समय तक लगातार बर्न करती है। पिस्टले ने ये एक हाइपोथेसिस थी, एक कल्पना की कि प्लांट जो हैं रिस्टोर एयर ब्रीथिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, एनिमल के ब्रीथिंग के कारण, कैंडल के बर्निंग के कारण जो एयर डैमेज होती है, प्लांट उसको दोबारा रिस्टोर करते हैं। यू कैन इमेजिन पिस्टले कंडक्टेड दैट एक्सपेरिमेंट यूजिंग कैंडल एंड प्लांट, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। ही वुड नीड रैंक द कैंडल टेस्ट whether burns after a few days, how many different ways can think light candle without disturbing the setup, ये मैंने अभी आपको बता दिया बच्चों। अगला जो आता है, सेम इस प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था, ये इम्पोर्टेंट, सिमिलर सेटअप वन यूज्ड बाय प्रिस्टले, और इन्होंने प्लेसिंग दी वंस डार्क एंड वंस इन सनलाइट, ये किया था जॉन इंजन हाउस साहब ने। सन, इन्होंने ये चीज़ बताई थी बच्चों कि सनलाइट इज एसेंशियल टू प्लांट प्रोसेस दैट प्यूरीफाई एयर फोल्ड बाय बर्निंग कैंडल्स एंड ब्रीथिंग एनिमल्स। हमने आपको बताया है कि जो एयर को डैमेज एनिमल ने किया ब्रीथिंग की प्रक्रिया से,
प्लांट ने किया, प्लांट को जो सॉरी बेटा जो कैंडल ने किया बर्निंग की प्रक्रिया से, उसको जो प्यूरीफाई किया था एयर को ग्रीन प्लांट्स ने। अब इस एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ इंजन हाउस ने बताई कि ये इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो एक प्लांट जो लिया था वो हाइड्रा लिया था। इंजन हाउस इज एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट आपको याद रखना हाइड्रा होता है, हाइड्रा। सबमर्ज्ड प्लांट होता है बच्चों, सो दैट ब्राइट सनलाइट में स्मॉल बबल्स जो निकलते हैं और जो कि ग्रीन पार्ट्स के अराउंड पाए जाते हैं, वाइल द इन डार्क दे डिड नॉट, ये बबल्स जहाँ लाइट नहीं है वहाँ या जब डार्क है वहाँ पे उस समय नहीं उत्पन्न होते हैं, इनको आइडेंटिफाई किया था बबल्स को बेटा ऑक्सीजन के रूप में। तो इंजन हाउस ने ये बताया कि सनलाइट की प्रेजेंस में ओनली इन ग्रीन प्लांट्स पार्ट प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दोबारा बच्चे इस बात को सुन लें कि इन प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को इंजन हाउस ने रिपीट किया और उन्होंने दो काम किए, एक बार सनलाइट में रखा, एक बार इसको डार्क में रखा। जब डार्क है तो बबल्स नहीं उत्पन्न हुए, मतलब ऑक्सीजन नहीं उत्पन्न हुई, जब लाइट में रखा तो ऑक्सीजन बबल्स उत्पन्न हुए और उन बबल्स को उन्होंने ऑक्सीजन के रूप में पहचाना। और इनके एलिगेंट एक्सपेरिमेंट जो एक्वाटिक प्लांट था वो यूज़ किया गया हाइड्रा। अगली चीज मेरे बच्चे ध्यान दें, 1884 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जूलियस वॉन सैक्सैप ने प्रूव किया था कि जो ग्लू जो प्लांट ग्रो करते हैं तो वहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्लांट ग्रो करेंगे और वो ग्लूकोज ग्रो करते समय ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और जो ग्लूकोज यूजली स्टोर्ड होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। आप सभी पीछे चर्चा में कर चुका हूँ बच्चों कि जो हाँ स्टार्च बनता हुआ फोटोसिंथेसिस हो रही है, मैंने अभी आपसे जहाँ बताया था केवेज के एक्सपेरिमेंट और सनलाइट की ब्लैक पेपर में इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया है। हिज लेटर स्टडीज सो दैट ग्रीन सब्सटेंस, मैंने आपको क्लोरोफिल बता रखा है प्लांट, और ये जो लोकेटेड होता है स्पेशल बॉडीज में होता है जिनको मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट कहा, स्पेशल बॉडीज को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, मैंने आपसे चर्चा किया है, ये एक ऑर्गेनेल होता है इन प्लांट्स। ही फाउंड ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट्स इज वेयर ग्लूकोज इज मेड, ग्लूकोज यूजली स्टोर्ड एज स्टार्च। इस चीज़ की मैं आपसे अभी चर्चा कर चुका हूँ। आगे बेटा बढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जाता है इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, टी डब्ल्यू एंगलमैन इनका बर्थ 1843 डेथ 1909। और इन्होंने सबसे पहले लाइट को स्केट जो है प्रिज्म के द्वारा स्प्लिट किया, स्प्लिट और उससे स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स बने, आप लोग जानते हो कि विबग्योर ग्रुप में, और इसमें इन्होंने यूज़ की ग्रीन एल्गी यूज़ किया, एक फ्लामेंटस एल्गी होती है, और इसके सस्पेंशन को बेटा
इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया क्या यूज़ किया, एरोबिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वर यूज डिटेक्ट, बैक्टीरिया वर यूज डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन, जहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा थे, एक्युमुलेट हुए थे, बैक्टीरिया ज़्यादा इकट्ठे पाया गया, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा पाई गई, जहाँ पे ब्लू और रेड लाइट थी, ब्लू और रेड लाइट रीजन में। इसके मतलब जो सबसे ये जो स्प्लिट स्पेक्ट्रम किया था, ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई कि जो सनलाइट है उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति जो होती है ब्लू और रेड लाइट रीजन में होती है। इन्होंने ही बताया सबसे पहले फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम जो दिया था फोटोसिंथेसिस के लिए वो टी डब्ल्यू एंगलमैन ने दिया था और इन्होंने डिस्क्राइब किया था, और इसी को कारण बेटा इन्होंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी सनलाइट के दिया, जहाँ पर चूँकि लाइट जो हमें नज़र आती है वो एब्जॉर्ब करके जो रिफ्लेक्ट करती वही लाइट हमको नज़र आती है, तो सबसे ज़्यादा ये हो रही थी ब्लू और रेड लाइट रीजन में, ब्लू और रेड लाइट रीजन में, और ये स्पेक्ट्रा और उसके लिए वहाँ क्लोरोफिल थी ए ओ बी। मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में एक बहुत अच्छा काम हुआ जिसमें कि आपको बताएं लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा, और इसके लिए एक एम्पिरिकल इक्वेशन जो दी गई है ये आप नीचे देख सकते हैं बच्चों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये सनलाइट है, इससे ये एम्पिरिकल फार्मूला CH2O बना और ऑक्सीजन है उत्पन्न हुई। अगर इसमें हम 6 को मल्टीप्लाई करें तो 6 कार्बन शुगर को तो C6 हो जाएगा बेटा, H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा, इसको ग्लूकोज कहते हैं। एक बहुत माइल्ड स्टोन बहुत दूर तक का एक बात सोच के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस में बहुत मील के पत्थर की तरह काम किया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे वॉन नील साहब, 1897-1985 इनका बर्थ और डेथ रहा, और इन्होंने जो यूज़ किया था स्टडीज़ के लिए पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, और इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। बच्चों ध्यान देना, इसमें H2A का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो H2A है इससे जो A है ये निकलता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे वाटर लूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगी जो A है, अगर मैं यहाँ पे सल्फर लूँ तो यहाँ पे सल्फर प्रोडक्ट के रूप में आएगी। तो ये बताने के लिए उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि वाटर हाइड्रोजन डोनर होता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, और जो हाइड्रोजन डोनर हुआ वो ऑक्सीडाइज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ रिडक्शन होता है। इन ग्रीन प्लांट्स बच्चे देखेंगे, ग्रीन प्लांट्स
H2 इज हाइड्रोजन डोनर, ग्रीन प्लांट्स में वाटर हाइड्रोजन डोनर है एंड ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन. सम ऑर्गन डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जैसे उन्होंने H2S को यूज़ किया और यहाँ पे H2S जो है हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करेगी और इसके लिए उन्होंने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिए थे. इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बेटा, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में वाटर न लेके H2S का उपयोग करते हैं. ये ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट चीज़ है. द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर. जैसे वाटर में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वाटर में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, उसी प्रकार से H2S में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है वो सल्फर है. ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर या सल्फेट, ये पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक, नॉट ऑक्सीजन. दो बातें ध्यान रखना बेटा, अगर H2S है तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सल्फर या सल्फेट होगा, वाटर है तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑक्सीजन होगा. इसका तो इन्होंने इसका ये निष्कर्ष निकाला, ऑक्सीजन इवॉल्व बाई ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. ये प्रूव किया. दिस लेटर प्रूव द यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक. इसको बाद में जो प्रूव करने की टेक्निक अपनाई गई रेडियो आइसोटोप टेक्निक, जिसके कारण इसकी करेक्ट इक्वेशन यही इम्पॉर्टेंट चीज है, 6 CO2 12 H2O सनलाइट होगी, यहाँ पे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा, 6 वाटर के बनेंगे, 6 ऑक्सीजन के बनेंगे. बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पर जो ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन यहाँ पे आई ग्लूकोज में वो कार्बन डाइऑक्साइड से आएगी और जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ रही है ये वाटर से आएगी. बच्चों यहाँ ग्लूकोज ये रिप्रेजेंट C6H12O6 से किया जाता है. ऑक्सीजन रिलीज इज फ्रॉम वाटर, मैंने अभी आप बच्चों आपसे डिस्कस किया है. और इसके लिए बेटा टेक्निक जो यूज़ की गई है वो रेडियो आइसोटोप टेक्निक. नोट दैट दिस इज नॉट ए सिंगल रिएक्शन डिस्क्रिप्शन मल्टी स्टेप प्रोसेस. बच्चों ये एक स्टेप की प्रोसेस नहीं है, ये कई स्टेप में प्रोसेस होती जो आगे आपसे चर्चा की जाएगी. इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस, इम्पॉर्टेंट है. तो फोटोसिंथेसिस इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, मल्टी स्टेप प्रोसेस है. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन द इक्वेशन ऑफ गिवन अबव. यस बेटा, अभी आपसे मैंने चर्चा किया है, वाटर के जब 12 मॉलिक्यूल यूज होंगे तो 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं. वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. बच्चे ध्यान देंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ग्रीन लीफ में होती है. ग्रीन लीफ में बेटा क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये सबसे पहले चर्चा हो चुकी है, ठीक. और फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स प्लांट, इट डस आल्सो अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट. ये मैं आपको कुछ नोट करा देता हूँ बच्चों. कैन यू नेम जो अदर ग्रीन प्लांट्स में नाम इनके नोट किए गए हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, बच्चे नोट करेंगे. जैसे मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैं नोट कर रहा हूँ. देखिए हर्बेसियस प्लांट है, हर्बेसियस. कैन यू नेम सम अदर पार्ट वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में टेक प्लेस. तो सबसे पहले मैं बच्चों को बताऊंगा
फोटो लीफ में तो होती है, लेकिन लीफ के अलावा हर्बेसिया सिस्टम। स्टेम है हर्बेसिया सिस्टम में फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइम पाया था, उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। फोटो सिंथेटिक सेम क्लोरीन काइमा कहते हैं बेटा। मॉडिफाइड जैसे फेलो क्लेड, इसका एग्जांपल है ओपन सिया। इसे फिलोड कहते हैं बच्चों, फिलोड फिलोड ऑस्ट्रेलियन एक ऐसी है। इनके अलावा जो लीफ में मुख्य जो टिश्यू होता है बच्चों, वो मीजोफिल होता है। आपकी पहले बताया जा चुका है बेटा एनाटॉमी में, मीजोफिल इज ए फोटोसिंथेटिक लीफ टिश्यू। मीजोफिल जो है इसको हम फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी कहते हैं।
इन दी लीव्स, बच्चे ध्यान देंगे। लार्ज नंबर इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये भी आपसे चर्चा हो चुका है बच्चों। यूजली क्लोरोप्लास्ट एलिगन दी देमसेल्स अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल सच दे गेट ऑप्टिमम क्वालिटी एक अनकूल लाइट उनको मिल सके, इंसिडेंट लाइट की इससे कर सकें। व्हाट डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी एलिगन विद फ्लैट सरफेस पैलेट वॉल परपेंडिकुलर इंसिडेंट लाइट। इसको बेटा देखेंगे आप लोग, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें बना रहा हूँ बेटा, इसको देखिएगा समझने के लिए। ये लिया, मैंने एक ही जगह बनाने की कोशिश किया है बच्चों, ये देखिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफ्यूज लाइट, ये क्लोरोप्लास्ट पैरेलल होते हैं बेटा, डिफ्यूज लाइट क्लोरोप्लास्ट स्कैटर्ड। इसके बाद मॉडरेट लाइट पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल वॉल। इसके बाद स्ट्रॉन्ग लाइट वर्टिकल, ये स्कैटर्ड हो गए, ये हॉरिजॉन्टल हो गए, और ये वर्टिकल हो गए। स्ट्रॉन्ग लाइट में वर्टिकल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मॉडरेट लाइट में हॉरिजॉन्टल होते हैं, डिफ्यूज लाइट में ये स्कैटर्ड होते हैं। हमने ऐसी बात बट आपको बता दिया है। विद इन ए क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम कहते ग्रेना, मेरे बच्चे ध्यान देंगे। ये मैं क्लोरोप्लास्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, सबसे देखिए ये डबल मेम्ब्रेनस होता है,
एनसीआर विद इन देयर मेम्ब्रेनस सिस्टम, बच्चे ध्यान दीजिए, ये इसके अंदर और मेम्ब्रेनस सिस्टम पाया जाता है, ये एक को थैलाकोइड कहते हैं, इनके स्टैक्स को ग्रैनम कहते हैं, सिंगल ये स्ट्रोमा लैमेली कहलाती है, ये स्ट्रोमा है, इसमें डार्क रिएक्शन होता है, ये थैलाकोइड है, इसमें लाइट रिएक्शन होता है। अब देखिए विद इन ए क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेनस सिस्टम के ग्रेना, थैलाकोइड के स्टैक्स को ग्रेना कहते हैं, द स्ट्रोमा लैमेली, दो ग्रैनम के बीच की थैलाकोइड को जोड़ना स्ट्रोमा लैमेली होती है, फिगर मैंने बना भी दिया, आके एनसीईआरटी में बनाया, क्लियर कट इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मेम्ब्रेन सिस्टम में जो है मैं कहूँगा लाइट रिएक्शन होता है, मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, आल्सो दी सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच फॉर्मेशन इन स्ट्रोमा, एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज सुगर विच इज ट्रांसफॉर्म स्टार्च, जो फॉर्म जहाँ एटीपी हो बट बेटा एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हुआ, ये लाइट डिपेंडेंट है, डायरेक्टली लाइट ड्राइवन है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, इन्हीं को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है, जो लेटर वे हैं जो लाइट डिपेंडेंट नहीं है डायरेक्टली, ये दूसरे हाई एनर्जी कंपाउंड पे डिपेंडेंट होते हैं, जिनको एटीपी और एनएडीपीएच कहा जाता है, यहाँ पे लाइट की कोई भी एसेंशियलिटी नहीं होती है, इसलिए लाइट इंडिपेंडेंट या इनको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये कार्बन रिएक्शन भी कहलाते हैं, बच्चों ध्यान रखिएगा, लाइट रिएक्शन इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन इज ए कार्बन रिएक्शन, इसी प्रकार से ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है, मेम्ब्रेनस सिस्टम लाइट रिएक्शन है, नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम डार्क रिएक्शन है। दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड मीन दे अकर इन डार्कनेस और दे नॉट लाइट डिपेंडेंट, मैं कहूँगा ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं होती। चित्र देखिए बेटा, आउटर मेम्ब्रेन दिखाई गई यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, इसके यहाँ देखिए स्टैक्स को ग्रेना भी मैंने बताया है, फ्लूड प्रोटीनियस फ्लूड को स्ट्रोमा कहते हैं, इसमें राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं 70S होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल दिखाया गया कंसेंट्रिक होता है
और छोटे छोटे लिपिड ड्रॉपलेट्स दिखाएं। ये फिगर आप वो तैयार करिए, इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है बच्चों। हाउ मैनी टाइप्स पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? तो एनसीईआरटी के अनुसार इसमें चार प्रकार के मुख्य पिगमेंट होते हैं। सबसे पहले इन पिगमेंट्स को जो सेपरेट करने की जो टेक्निक है, इन पिगमेंट्स को सेपरेट द पिगमेंट्स ली पिगमेंट्स ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो चार प्रकार पिगमेंट अभी हम आपसे जो चर्चा करेंगे, इनको अलग करने की टेक्निक को पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन लीव पिगमेंट्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप के कलर्स देते हैं। जो लीफ का कलर होता है वो किसी एक सिंगल पिगमेंट के कारण नहीं होता है, वो जो पिगमेंट होता है फोर, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ से मैं दोबारा करे दे रहा हूँ, फोर पिगमेंट्स के कारण होता है बेटा। क्लोरोफिल ए, ये ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल बी, ये येलो ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोक्सैंथोफिल येलो कलर का होता है। एकैटिनॉइड्स जो होता है ये येलो ऑरेंज या येलो कलर का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, क्लोरोफिल ए ये कैटनॉइड्स दिखाया गया है और ये क्लोरोफिल बी दिखाया गया है। ये लाइट अब्सॉर्ब जो क्लोरोप्लास्ट में जो ये पिगमेंट पाए जाते हैं उनका ग्राफ दिखाया गया है बच्चों। इस जगह पे आप ध्यान देंगे कि अलग अलग कलर से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ए जो है ब्लू ग्रीन कलर का है, बी जो है येलो ग्रीन कलर का है, कैटनॉइड्स जो हैं वो येलो ऑरेंज कलर का दिखाया गया है। पिगमेंट्स जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि जो पिगमेंट्स हैं वो ऑक्सीरेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हम डिसाइड देखते हैं वो हमको ऑक्सीजन रिलीज के आधार पर पता लगती है। अगर आप देखेंगे बच्चों तो जो ये यहाँ पे है, ये जो रीज़न है आप देखते हैं क्लोरोफिल बी, इसका एब्जॉर्प्शंस इस जगह पे ज़्यादा है और यहाँ पे आप देखिएगा मेनली जो ऑक्सीजन रिवॉल्व होता है क्लोरोफिल ए, और इस जगह पे अगर ये देखा जाए तो अगर मैं इसको यहाँ पे बाइक्स यहाँ पे डालता हूँ बेटा, तो ये लगभग 430 नैनोमीटर आता है बेटा। ये यहाँ पे अगर मैं दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे क्लोरोफिल ए का अगर देखते हैं तो ये 430 नैनोमीटर और ये ब्लू रीजन है, ब्लू लाइट। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं बेटा ये लगभग 670 नैनोमीटर है और ये रेड लाइट रीजन है, रेड लाइट रीजन। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको रेट ऑफ फोटोज कंपेयर करते हैं तो ब्लू और ब्लू रीजन
ये ब्लू रीजन है और ये रेड लाइट रीजन है। मेन फोटोसिंथेसिस जो है वो ब्लू लाइट रीजन में है और रेड लाइट रीजन में हो रही है। चूंकि आप यहाँ देखिए ऑक्सीजन इवॉल्व जो हो रही है वो मुख्य रूप से ब्लू 433 नैनोमीटर रीजन में, अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं बेटा पीक लेवल ये आ रहा है। और यहाँ रेड रीजन में 670 नैनोमीटर। इस जगह ऑक्सीजन वॉल्यूम ग्राफ आप देख सकते हैं दो पीक वैल्यू आ रही हैं, एक पीक वैल्यू ये आ रही है और एक पीक वैल्यू जो है ये आ रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ब्लू लाइट और रेड लाइट में मेन फोटोसिंथेसिस होती है। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं बेटा रेट जो लाइट एब्जॉर्ब ब्लू और रेड मैंने आपको पहले बता दिया है, जो यहाँ पे मेन जो हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है ब्लू और रेड रीजन पे हो रही है। पिगमेंट्स आर सब्सटेंस एबल टू एब्जॉर्ब लाइट स्पेसिफिक वेवलेंथ। कैन यू गेस विच इज मोस्ट एबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मेनली हो जाएगा बेटा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए ग्राफ शोइंग एबल टू क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट डिफरेंट वेवलेंथ। 13.3 में बना था ब्लू एंड रेड विप्योर, अगर विजिबल स्पेक्ट्रम है वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड। अगर मैं इसको यहाँ पे कहूँ तो ये 4-7 मुख्य कलर हैं और ये विजिबल स्पेक्ट्रम में इनमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो हो रही है ब्लू और रेड रीजन हो रही है, ब्लू और रेड रीजन हो रही है। फिगर 13.3 कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ कलर लाइट। मैंने आपसे बताया है कि जो अगर आप 13.3 को देखते हैं बच्चों तो आप यहाँ देखिएगा ब्लू रीजन में ब्लू लाइट में क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है और रेड लाइट में एब्जॉर्ब हो रहा है। ब्लू और रेड लाइट में इसका एब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा हो रहा है। सो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एट अदर वेवलेंथ टू आगे आएंगे बच्चे नॉट टू फिगर 13.8 शोइंग दैट वेवलेंथ आर मैक्सिमम फोटो अकर इन प्लांट। तो आप देख सकते हैं बेटा सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो हो रही है वो ब्लू लाइट की 430 नैनोमीटर और रेड लाइट की 670 नैनोमीटर हो रही है। अगर आप इसमें देखें कैन यू सी दैट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए, तो ब्लू रीजन में ब्लू रीजन में एंड रेड रीजन क्लोरोफिल ए इन द ब्लू एंड द रेड रीजन आल्सो से हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। Conclude that chlorophyll A is chief pigment of photosynthesis के लिए मुख्य pigment इसको माना गया है। C figure आप देखिए looking C figure can you say that there is complete 1-to-1 overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे देखिए ब्लू क्लोरोफिल ए और जो उसका मेन रेड रीजन और ब्लू रीजन में वो ओवरलैप कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है आप देख सकते हैं उसका पीक वैल्यू और जो क्लोरोफिल ए जो एब्जॉर्ब कर रही है उसका भी पीक वैल्यू एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल ए ही मेन पिगमेंट है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। दीज ग्राफ टुगेदर शो मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ब्लू, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है ब्लू रीजन एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। सम फोटोसिंथेसिस डस टेक प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम में, लेकिन मुख्य रूप से ये ब्लू और रेड रीजन में होती है। क्लोरोफिल इज मेजर पिगमेंट responsible for trapping light, thylakoid pigment like chlorophyll, मैंने अभी चर्चा किया आपसे, B, xanthophyll and carotenoid, ये accessory pigment के अंतर्गत बच्चों आते हैं। accessory pigment उनको कहते हैं जो light trap करके transfer करते हैं, also absorb light and transfer energy to chlorophyll A। ये इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि एसेसरी पिगमेंट में क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैटनोइड्स आते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं क्लोरोफिल ए की ओर। दे नॉट ओनली एनेबल टू वाइडर रेंज, एक ये वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को जिससे ज़्यादा रेंज की जो है अधिक वेवलेंथ की हैं उनकी लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं और ये क्लोरोफिल ए को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से ये प्रोटेक्ट करते हैं।